उड़ान में चकोर और सूरज का हुआ है भव्य स्वागत। हजारों मुश्किलों को पार करने के बाद सूरज और चकोर पहुंच गए हैं बस्ती, लेकिन एक शख्स ऐसा है जिसे दोनों की आने की खुशी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अब ये शख्स कौन है और क्या नया ट्विस्ट आ गया है सीरियल में, चलिए देखते हैं। उड़ान में बस्ती में हुआ चकोर और सूरज का स्वागत। जी हाँ, हजारों मुश्किलों के बाद आखिरकार आज चकोर और सूरज बस्ती आ पहुँचे हैं, जिन्हें देखकर सभी बस्ती वाले बेहद खुश हैं। लेकिन कोई है जिन्हें इनके आने की बिल्कुल खुशी नहीं हुई। भाई, हम बात कर रहे हैं चकोर की छोटी बहन इमली और सूरज के पिताजी यानी कमल नारायण की, जो एक दूसरे पर कर रहे हैं गुस्सा और बना रहे हैं आगे का प्लान। दूसरी तरफ अपनी बेटी चकोर को देख माई की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है, और हो भी क्यों ना, सिर्फ वही थी जिन्हें चकोर पर पूरा भरोसा था कि वो जरूर वापस आएंगी। जैसे ही गांव वालों को पता चलता है कि सूरज और चकोर वापस आ गए हैं, वो भी एक नए मेहमान के साथ, तो सभी ठान लेते हैं दोनों की एक बार फिर करवा दी जाए शादी। इतनी शादियां तो पता नहीं। जब मैंने ये शो ज्वाइन किया था तो मेरे डायरेक्टर ने कहा था कि अगर बेटा तुम्हारी 7 या 8 बार शादी हो जाए तो समझ लो शो हिट है। हाँ, छठी बार हुई ना अभी। अभी लैविश वेडिंग अभी लैविश इनको चाहिए, तो वो भी कर लेंगे कभी। लेकिन हाँ, हम लोग वापस आ गए हैं और गांव में वापस आ गए, सबसे मिल लिए, सब चीजें सॉर्ट आउट होगी। लेकिन अभी डैड ने घर पे बुलाया है और उन्होंने कुछ तैयारियां करके रखी हैं। पापा ने बुलाया है, तो अब देखते हैं आ जाके क्या होता है। वैसे चकोर और सूरज, ये सीरियल में छठी बार शादी करने का आइडिया आया कहाँ से? मेरी माँ ने कहा कि बेटा तुम लोग ने आपस में तो कर लिया, ये प्रेग्नेंट भी हो गई, अब तुम लोग थोड़ा ऑफिशियली भी सबके सामने कर लो। ताकि वो गंधर्व विवाह का पपलू देता रहता है बार बार सबको, तो बोलते ठीक है तो अब नॉर्मल कर लो। ये भागा नहीं लड़का खड़ा रहा की शादी लड़के ने। वेल, हम तो बस इतना ही कहेंगे कि आप दोनों को एक बार फिर से शादी के बंधन में बंधता देख हमें बेहद खुशी होगी।